भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से अपील की गई है कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के रोज लोग गाय को गले लगाएं। इससे जीवन में भावनात्मक समृद्धि और सामूहिक खुशी आएगी। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को भारतवर्ष में काऊ हग डे मनाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पशु कल्याण बोर्ड ने इस वैलेंटाइन डे लोगों से अपील की है कि वो गाय को गले लगाएं। बोर्ड का तर्क है कि इससे भावनात्मक समृद्धि और सामूहिक खुशी आएगी। बोर्ड के इस फैसले का अब लोग स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा की गौशाला में अपील का असर भी दिख रहा है, जहां लोग प्रपोज डे के मौके पर गायों के प्रति अपने लगाव का इजहार करते दिखे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे लोग प्रेम दिवस के रूप में मनाते थे और अब अपील की जा रही है कि गायों को गले लगाएं। ये भारतीय संस्कृति का सभ्यता है और बहुत ही सुंदर अपील है। गौ रक्षा अभियान के संस्थापक की माने तो इससे देश की संस्कृति और संस्कारों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। वहीं साधु संतों का कहना है कि वैलेंटाइन डे पश्चिमी संस्कृति है, जिसके लिए देश में कोई जगह नहीं है। गौ सेवा करते हैं, उनसे तो कोई वो है नहीं है। भगवान गौ के लिए जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी जो है ना, गाय का स्वरूप है। जो धरती भारी हो जाती है तो धरती अपील भगवान से, परमात्मा से करती है कि धरती भारी हो गई। वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने की भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की अपील का बीजेपी नेताओं ने समर्थन किया है, तो वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बोर्ड के इस फैसले पर तंज कसा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जब वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने की अपील की, तो गौ प्रेमी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए गाय को एक दिन नहीं बल्कि हर रोज गले लगाना चाहिए कहा। गाय तो हमारी माता है, तो गाय को तो हम हमेशा ही गले लगाते हैं। अगर वैलेंटाइन डे पर किसी ने ऐसा विषय रखा, उसको धन्यवाद। गौ हमारी संस्कृति की एक आधार है, जिसको हम मां भी बोलते हैं, उसको दूध भी पीते हैं। भारतीय संस्कृति का एक मान बिंदु है, तो इस दिन में गौ सेवा और गौ भक्ति का प्रदर्शन हो चुका है। इस वेलफेयर के कारण से जो आदेश हुआ है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत प्रशंसा और बधाई देना चाहता हूँ कि कल्याण वेलफेयर बोर्ड का बहुत अच्छा आदेश है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है। और सच कहा जाए तो गाय हम सब की भाग्य विधाता भी है। गाय पर आधारित हमारा जीवन है। हाँ, तो ये तो सबको मनाना ही चाहिए। और मैं तो बचपन से गाय ही चराया हूँ, और गाय का पालन करना, गाय की सेवा करना, गाय को गले लगाना, ये तो आपको पता है कि हम कृष्ण भगवान के खानदान में पैदा हुए हैं। तो हमारा तो ये मुख्य जो कह लीजिए रोजगार व्यवसाय जो भी कह लीजिए, वो पशु पालन और दूध का ही है। तो हम तो गाय माता का हमेशा सेवा भी करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमारा परिवार भी चलता है। बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया और कहा इससे भारतीय संस्कृति मजबूत होगी। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बोर्ड के इस फैसले पर तंज कसा है। टीएमसी सांसद ने ट्वीट किया कि चलिए सरकार ने हमारा वैलेंटाइन डे प्लान भी बना दिया। आपको बता दें कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशुओं के कल्याण संबंधी मामलों में सलाह देने का काम करता है।